भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के दवाई पट्टी में दवा व्यापारी रौनक केड़िया की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके कारण शुक्रवार को भागलपुर के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने शहर बंद का आह्वान किया था और स्थानीय व्यापारियों ने इस बंद को अपना भरपूर समर्थन दिया। वहीं शुक्रवार की सुबह भागलपुर बंद को लेकर कई संगठन के सदस्य और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और घूम घूम कर बाजार को बंद कराने का प्रयास किया। इस दौरान बंद समर्थकों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। भागलपुर बंद में शामिल स्थानीय वार्ड पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी ने कहा कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज भागलपुर बंद तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। बता दें कि भागलपुर के व्यापारियों और नागरिकों का यह विरोध प्रदर्शन भागलपुर प्रशासन पर दबाव डालने के लिए है, जिससे जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी हो और रौनक केड़िया के परिवार को न्याय मिल सके। देखिए, रौनक केड़िया की जो निर्मम हत्या अपराधियों ने की है उसके विरोध में आज हम यहाँ भागलपुर की सड़कों में व्यवसायी वर्ग उतरा है और भागलपुर बंद का आह्वान हमने किया है। भागलपुर बंद के आह्वान को व्यवसायियों का पूर्ण समर्थन और सपोर्ट मिला है। स्फूर्त बंद है, व्यवसायी आक्रोशित है। हम जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं, आज की बंदी के नाते हमारा यह विरोध दर्ज करने के लिए हमने बंद का आह्वान किया है और बंद में पूरा भागलपुर का व्यवसायी एकजुट होकर पूरा भागलपुर बंद कर रहा है और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। जो अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उस अपराधी को सलाखों के पीछे होना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, व्यवसायी सुरक्षित रहे, भागलपुर के मुख्य बाजार में गश्ती प्रशासन की बढ़े, जो गलियां बाजार की गलियां तंग गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, उस गलियों में पैदल पुलिसिंग हो, पैदल मार्च प्रशासन करे, अपराधियों में प्रशासन का खौफ पैदा हो, यही मैं प्रशासन से मांग करता हूं। और जिला प्रशासन जब तक इस घटना के अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजेगा, जिला प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाएगा, तब तक व्यवसायी समाज के साथ हम जनप्रतिनिधि आंदोलित रहेंगे और यह आंदोलन आज बंद के माध्यम से है। हम धरना प्रदर्शन और आगे की भी रूपरेखा व्यवसायी समाज के साथ बैठकर तैयार करेंगे। एक नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल, क्योंकि जो समाज में किसी तरह का गलत कोई काम नहीं करता था उसको 6 गोलियों से मारा गया। उसके बाद प्रशासन ने अभी तक सूंध नहीं ली है। 36 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन का कोई भी इस घटना का उद्भेदन नहीं है। हम लोग व्यवसायियों का एक ही मांग है, घटना की उद्भेदन करके जो भी इसमें लोग मारने वाले हैं उसको फांसी की सजा दी जाए। यदि प्रशासन का रवैया इस ढंग का रहा तो हम लोगों का आंदोलन इससे भी ज्यादा तेज हो। वहीं भागलपुर में दवा व्यापारी रौनक केड़िया की हत्या मामले में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित भागलपुर बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के बाद देर शाम आनंद चिकित्सालय रोड स्थित चैम्बर कार्यालय में सदर SDO धनंजय कुमार और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापारियों ने रौनक केड़िया की हत्या में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और व्यापारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस पदाधिकारियों ने व्यापारियों को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और बाजार क्षेत्र में पुलिस की पैदल गश्ती को बढ़ाने की बात कही। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के PRO दीपक शर्मा ने बताया कि शहर के व्यापारियों ने भागलपुर बंद को भरपूर समर्थन दिया और पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। क्या
साथ में की गई है और कुल मिलाकर के जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले एक से दो दिनों के अंदर में इस केस का हम निराकरण कर देंगे और जो भी आप लोग क्या मांगते हैं? हम लोगों का मांग यही है कि पुलिस की गश्ती जो है वो प्रॉपरली भागलपुर के शहर के अंदर में छोटी छोटी गलियां जो है उसके अंदर में जो है अपराध का हमेशा भय बना रहता है, इनके अंदर में प्रॉपरली तरीके से पुलिस शहर का माहौल है अभी बाजार के अंदर क्या लगा सुरक्षा किस तरह से हो पाएगी? जी जिस तरीके की घटना हुई एक छोटे से बच्चे को एक नहीं छः छः गोलियाँ दागी गई है उससे स्वाभाविक है और यही कारण है या पूरा व्यापारी समाज सारे व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि हॉल के अंदर में उपस्थित। भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत स्थित मरगंग धार में डूबने से सालिग्राम यादव के 18 वर्षीय पुत्र पिंटू यादव की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पिंटू यादव गंगा के उस पार अपने बासा पर गए थे जहां लौटते समय तेज धार की चपेट में आने से वह लापता हो गए। घटना शुक्रवार की दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। वहीं पिंटू यादव के डूबने की खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। वहीं मुखिया प्रतिनिधि कुंदन यादव ने बताया कि पिंटू यादव का शव स्थानीय लोगों और परिजनों के सहयोग से गंगा नदी में खोजा जा रहा है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कुंदन यादव ने बताया कि पिंटू यादव बासा से घोड़ी और सामान लेकर घर वापस आ रहे थे, तभी गंगा की तेज धार में बह गए। बताया जा रहा है कि वे एक बार सामान रखकर वापस घोड़ी लाने जाने की बात कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना पीरपैंती पुलिस BDO और CO को दे दी गई है। साथ ही मुखिया प्रतिनिधि ने SDRF टीम को भेजने की मांग की है। क्या नाम हुआ आपका? आपका बेटा गंगा जी में डूब गया है, मिला बॉडी? क्या नाम है आपके बेटा का? क्या? पिंटू यादव। कितना साल उम्र होता होगा? 17-18। कहाँ गए थे उस तरफ गंगा के उस पार? बथान से। आपका बथान है, बसा है? तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड तिलका मांझी चौक भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। बिहार संविदा ANM NHM संघर्ष मोर्चा गोपगुट जिला शाखा भागलपुर के सदस्यों ने शुक्रवार को जिला पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया। दरअसल इस धरना का उद्देश्य अपनी विभिन्न मांगों को प्रशासन के समक्ष रखना था। ANM जिला सचिव पूजा कुमारी ने कहा कि हम लोग पिछले एक महीने से अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों को किसी भी पदाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम सभी काम को ठप कर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अपनी मांगों को लेकर पूजा कुमारी ने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, FRS अटेंडेंस को रद्द किया जाए और केंद्र द्वारा दी जा रही सभी स्वास्थ्य सुविधाएं संविदा कर्मियों को भी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हमारे साथी जो अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उन्हें सभी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन हमें उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम इस भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ANM ने जोरदार नारेबाजी भी की। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, FRS जो है उसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि FRS अटेंडेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग के लिए।
और हम लोग को स्वास्थ्य सुविधाएं, जो स्वास्थ्य केंद्र पर जो सुविधाएं होती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। ये अटेंडेंस जो बनाना है एफआरएस के द्वारा सिर्फ हम पे ही लागू हो रहा है। जो परमानेंट कर्मचारी है जिसको आप सारा भत्ता दे रहे हैं, सारा पैसा दे रहे हैं, महंगाई भत्ता क्या क्या अलाउंस मिलता है सब कुछ दे रहे हैं, उनसे आप ये नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हमसे क्यों करवा रहे हैं? महज 10,000 रुपया इतनी महंगाई में उस पे हम पे इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? काम तो हम कर ही रहे हैं। डाटा आप एक महीने पहले का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, कितना डाटा गिर गया गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सुन नहीं रही हमारे बात। भागलपुर सजौर थाना क्षेत्र के ओडाचक में पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। दरअसल यह कार्रवाई न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अनुपालन में किया गया है। कांड संख्या 26/2024 के तहत धारा 366, 504 और 506 के तहत फरार नामजद आरोपी चंदन यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। वहीं मामले के अनुसंधानकर्ता और निरीक्षक बहादुर राय और साहनी जी के नेतृत्व में पुलिस बल और चौकीदारों की टीम ने चंदन यादव के ओडाचक स्थित घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। इस दौरान घर में उपलब्ध सामग्री जैसे चौकी, करकट, कुर्सी और कुट्टी मशीन को जब्त कर थाना लाया गया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि 25 जनवरी 2024 को सजौर थाना क्षेत्र के कोल्हाचक गांव में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि ओडाचक निवासी चंदन यादव ने लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने की नीयत से अपहरण कर लिया था, जिसका आरोप ओडाचक निवासी चंदन यादव पर लगा है। वहीं घटना के बाद से आरोपी चंदन यादव अब तक फरार चल रहा है, जिसके बाद न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के आधार पर उसकी संपत्ति की कुर्की की गई। भागलपुर जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिरोध मार्च आयोजित किया गया। दरअसल यह मार्च घंटाघर से निकलकर समाहरणालय तक पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन कर रहे दशरथ प्रसाद ने बताया कि यह कार्यक्रम देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जिले के सभी मुख्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन के तहत उनकी 17 सूत्री मांगे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की संवैधानिक गारंटी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है।